हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फोर क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही ईजी वर्कशीट है आपकी, जिसमें हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। विच डे डज दिस पिक्चर डेपिक्ट, तो ये जो पिक्चर है ये किस बारे में आपको बता रही है, ये पिक्चर क्या डेपिक्ट करती है। दिस पिक्चर डेपिक्ट रेनी सीजन और समर डे, ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये क्या है बच्चों, ये रेनी डे है, बारिश हो रही है, बच्चे बहुत खुश हैं, तो आप इसमें लिख देंगे रेनी डे। द किड्स आर गेटिंग वेट एंड इन्जॉइंग द रेन, बच्चे जो है वो भीग रहे हैं और रेन को इन्जॉय कर रहे हैं, तो इसमें आप लिख देंगे रेनी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू आपको दिया गया है, तो वीडियो पॉज करके बेटा इसको आप लिख लीजिए। आपको ये कॉपी में कैसे लिखना है, आप ऊपर लिख दीजिए विच डे डज दिस पिक्चर डेपिक्ट, और इस तरह से एक पिक्चर बना के आप ऊपर से उसमें जो है ऐसे रेन जो है वो ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, और फिर नीचे ये वाली लाइन लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तीनों पिक्चर बनाने की नीड नहीं है, एक ही पिक्चर बना दीजिए, या अगर आपसे पिक्चर नहीं भी बनती है तो आप क्या करेंगे, ऐसे जो है रेन रेन जो है ऐसे बूंदे बूंदे दिखा दीजिए आप, ठीक है, वो भी आप डिपिक्ट करेगा कि वो कैसा सीजन है, रेनी सीजन है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए सेकेंड करेंगे, Why do you like rainy season? आप रेनी सीजन को क्यों लाइक करते हैं, आप रेनी सीजन को क्यों लाइक करते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। I like rainy season because, तो आप रेनी सीजन को क्यों लाइक करते हैं, आपको जो करेक्ट रीज़न है, जो आपको लगता है कि मैं क्यों करता हूँ या करती हूँ, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। Choose the reason that you like about rainy season from the option given below. फर्स्ट दिया गया है, इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन, जो रेन है उसमें खेलने में मज़ा आता है, बिल्कुल आता है। वी मेक पेपर बोट एंड प्ले विद द अम्ब्रेला, बिल्कुल पेपर बोट जो है चलाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपने कभी पेपर बोट चलाई है या नहीं चलाई है। तीसरा है, इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर, बिल्कुल बहुत लंबे हॉट समर के बाद जो है ये पीरियड आता है, इसलिए बहुत लंबा जो है बहुत अच्छा लगता है। इट मेक एनवायरमेंट कूलर, जो एनवायरमेंट हमारा ठंडा ठंडा हो जाता है, गर्मी से हमें बहुत राहत मिलती है, इसीलिए हमें रेनी सीजन अच्छा लगता है। गेटिंग वेट, हम जो है भीग जाते हैं, एंड हॉपिंग इन पडल्स मेक मी हैप्पी, और जो पानी भर जाता है ना ऐसे आप जंप करते हो, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं ना कि जहाँ से पानी भरा हुआ होगा ना उसके अंदर से निकल के जाएंगे, सारे स्कूल के शूज़ और सब कुछ गंदा हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है उसके अंदर जो है कूदते हुए चलते हैं, तो इसलिए आपको रेनी सीज़न अच्छा लगता है। तो आपको रेनी सीज़न क्यों अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस ऑप्शन को राइट करूँगी, वी मेक पेपर बोट एंड प्ले विद अम्ब्रेला, ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है यहाँ पे लिख देंगे। वैसे तो सारे ही ऑप्शन जो है अच्छे हैं, लेकिन आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ ऑन रेनी डे रेनी सीजन बाय यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर जो है हेल्प बॉक्स दिया गया है, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ड की हेल्प से आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ऑलरेडी ये कंप्लीट हमने कर लिया है, तो आइए उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करेंगे, देखिए द रेनी, रेनी के बाद क्या आ जाएगा, द रेनी सीजन, ठीक है, इसमें क्या फिल करेंगे, द रेनी सीजन और मानसून सीजन स्टार्ट आफ्टर द हॉट समर, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका हॉट आ जाएगा, कि जो रेनी सीजन है, ठीक है, या मानसून सीजन है वो हॉट समर के बाद स्टार्ट होता है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर में बारिश होती है। इट ब्रिंग्स रिलीफ, ये क्या लेकर आता है हमारे लिए, रिलीफ लेकर आता है, राहत लेकर आता है। इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम समर हीट, कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग्स रेन क्लाउड्स, तो कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग आएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्रिंग आ जाएगा, कि जो कूल विंड्स हैं समुंदर से वो क्या लेकर आती हैं, रेन क्लाउड्स जो है वो बनाते हैं। वी यूज़ डैश एंड अम्ब्रेला, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हम रेन कोट्स यूज़ करते हैं एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द रेन, रेन से खुद को बचाने के लिए, ठीक है, हम अम्ब्रेला और रेन कोट का यूज़ करते हैं। द रेन फिल्स द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड रिवर्स, जो रेन है वो फिल्स करती है क्या, ड्राइड जो सूख जाती हैं झीलें, तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, ठीक है,
इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स जो फसलें होती हैं उनके लिए पानी लेकर आती हैं। द ट्रीज़ एंड प्लांट्स लुक ग्रीन, और जो ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं वो ग्रीन ग्रीन दिखने लगते हैं, पेड़ जो है वो बहुत हरे हरे हो जाते हैं, और आप जो है देखिए वो बहुत बिल्कुल एकदम हरियाली हो जाती है, धुल जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे खिलखिला रहे हूँ, ठीक है, हंस रहे हूँ बारिश होने के बाद। सो दे द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड फ्रेश आफ्टर रेन, रेन के बाद वो फ्रेश हो जाते हैं। आई प्ले विद पेपर बोट ऑन रेनी डेज, रेनी डेज पे मैं पेपर बोट के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई लाइक रेनी सीजन अलॉट, मुझे रेनी सीजन बहुत पसंद है। तो इस तरह से आपको ये पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिख लेना है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।